आज तक सिर्फ सुना था कि उड़ीसा मानसून में कुछ अलग ही दिखता है, पर इस बार हम चार लोगों की बातें नहीं, चार दोस्त साथ ले आए थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ऐसी खूबसूरत जगह लेके जाने वाले हैं जिसे आपने पहले ही शायद कभी देखा होगा। और इस सफ़र में हमारे साथ होने वाले हैं लैंड क्रूज़र 2023 मॉडल और इधर इनोवा हाई क्रॉस 2023 मॉडल। दोनों ही बीस्ट है भाई इस रोड्स के लिए। सुन, रात को तो बैलेट डांस करना, हम लोग ऐसे ऐसे करके पैसे में गए। किसे बोल दो? ऐसे ऐसे नहीं, मुझे यही अच्छा बोलना। अरे यही अच्छा बोले, बोलते हो तू नथिंग नोबडी नोबडी वाला। और ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सो सो के जाते हैं। वो जो कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत हो, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की सड़कें कह रही, आप खुद ही देख लो। तो ड्रोन तो उड़ाना हो गया, कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताओ। और हमारे साथ अभी सिद्धार्थ भाई है जो आपसे बातें करेंगे थोड़ा उनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद। नहीं, ट्रैफिक है थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा दो मिनट में आपसे मिलते हैं। हाँ, जिंदगी में बहुत ट्रैफिक है भाई के, समझ रहे हो? तो ट्रैफिक क्लियर हो रहा है। तो अंशुमान पंडा को देखो भाई, मतलब भाई अभी हिल स्टेशन नहीं, गोवा जा रहा है। देखो सिद्धार्थ भाई, आपका हो गया है ट्रैफिक क्लियर, तो हम बातें कर ले। मेरा है, रुक जाओ। मैंने काला चश्मा लगाया। मौसम भाई बहुत जबरदस्त होने वाला है, बारिश होने वाली है। हम जितना ऊपर जा रहे हैं भाई, मौसम उतना ही खुलता जा रहा है, बस हम इंतजार कर रहे हैं बारिश का, भाई बारिश हो जाए। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है ये हमारा मानसून ट्रिप है, तो मानसून में तो भाई बारिश बनता है। और लैंड क्रूजर क्या खींच रही है भाई, वो आप देखो। उधर दिखाओ भाई, आगे लैंड क्रूजर जा रही है जो विक्की भाई ड्राइव कर रहा है। जिस साइज का गाड़ी है ना, उसी साइज का आदमी उसको चला रहा है। जब भी हम लोग रोड ट्रिप करते हैं ना, तो ये एहसास हमें जरूर होता है कि मतलब अपना उड़ीसा कितना खूबसूरत है यार। वैसे तो हम इतना बाहर घूमते रहते हैं, बट उड़ीसा की जो ब्यूटी है ना, वो अपने में एक यूनिक है भाई। यहाँ की खूबसूरती अलग ही है भाई। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मंडा सरू जो है वो उड़ीसा के फुलवानी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही अमेजिंग हिल स्टेशन है। बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, हम पहुँच के आपको वहाँ का दीदार कराते हैं। कर्व्स पे कर्व्स भाई, कर्व्स पे कर्व्स। लव द कर्व्स बट डोंट फॉल फॉर द कर्व्स। रास्ते तो आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे, पर गाय भेड़ और बकरियों का जरा ख्याल रखिएगा। तो भाई रास्ते में एक जगह उड़िया लिखा था, सिद्धार्थ भाई मुझे बोल रहे हैं कि पढ़ के बताना क्या लिखा। मैं बोला मेरे को खुद नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ भाई, उड़िया पढ़ना हम दोनों को नहीं आता। इसमें हमारी मदद सिर्फ एक ही लोग कर सकता है, गूगल। हर चीज़ का सोल्यूशन गूगल। इसका मतलब ये नहीं कि आप गूगल करो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात क्यों नहीं करती, ये सबका सोल्यूशन नहीं भाई, इसमें सिर्फ झगड़ा मिलेगा आपको। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंडा सरू टूरिस्ट प्लेस। क्या है, नेचर वैली रिजॉर्ट, क्या नाम था इसका भाई? बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर फिसल गए हम। फिसले तो नहीं है, फिसले तो विक्की बाबू। लैंड क्रूजर इतनी ह्यूज है, देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है भाई अंदर घुसाने में। अभी अपनी इनोवा देखना कितना मक्खन के जैसा अंदर। अच्छा जी, देख लेते हैं आज पूरी मक्खन की जैसा, एकदम मक्खन की जैसा जाएगी। नाइस कार, व्हाट यू डू फॉर लिविंग प्रिंटिंग। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं लंच करने, क्योंकि दूसरे लोग स्टार्ट कर दिए क्या, खींचो। सब खींचो कर रहे हैं, अब हम लोग भी चलते हैं, भूख बहुत लगी भाई। 8 बजे से निकले थे, आके पहुंच रहे हैं हम लोग 4 बजे। क्या करे भाई, अपनी YouTube फैमिली के लिए करना पड़ता है ना भाई। खाओ कौन जी, चिक्के नहीं जी, बढ़िया है जी, खाई दो खाई दो। गोभी भजा भाई, खाने को कुछ इस तरह मिलता है, सलाद, चिकन, राइस, पापड़, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये गुड्डू बताएगा। देखो देखो कितना एक्टिंग कर रहा है ये, नॉट तो एकदम एक्टिंग कर रहा है यार। छोड़ो, इन दिस मोमेंट ही न्यू ही वाज। तुम साउथ गोवा में हो कि नॉर्थ गोवा में? बागाटोर बीच। तो भाई खाना पीना हमारा हो गया था, एकदम घर के स्टाइल वाला खाना था, पेट पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं हम आपको वाटरफॉल दिखाने। तो भाई यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है नॉटी नोटो का। यहाँ हम लोग ने पार्क कर दी अपनी लैंड क्रूजर, इधर इनोवा हाई क्रॉस, बहुत ह्यूज दिखता है भाई।
तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं वाटरफॉल की तरह, ये रास्ता जाता है वाटरफॉल की तरह। तो भाई मैंने अपने स्नीकर जो है निकाल दिए हैं, लैकोस्टी के स्लाइडर डाल लिए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं वाटरफॉल और मैं नहीं चाहता मेरे नए भाई एयरफोर्स गंदे हो जाए, समझ रहे हो। स्नीकर से प्यार है, स्लाइडर से भी प्यार है, पर स्लाइडर एडजस्ट कर लेंगे आप। ये वो रास्ता है जो हमें वाटरफॉल की तरफ लेके जाएगा। इसके लिए कुछ रिक्वेस्ट है, कीप द कॉटेज क्लीन प्लीज़। ये है भाई व्यू पॉइंट जहाँ से आप वाटरफॉल देख सकते हो। ये बोल रहे हैं मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जूम करके दिखाऊंगा भाई S22 का। सही है भाई S22। अब भाई को हम दिखाएंगे एक्स्ट्रा जूम ड्रोन की मदद से। ड्रोन उड़ाते हुए हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे दो दोस्त ऑलरेडी वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। आप उनका भी दीदार करिए। अंशुमान कैसा लग रहा है अब ऊपर चढ़ते वक्त? क्या बोलूं भैया, सबसे बड़ा रुपया हम भी उसके लिए जा रहे हैं। तो भालू नहीं दिखाया? बोले भालू दिखाएं। देखा है सर, बाहर रात को दिखाया, और जो अभी है जो जंगल में बॉनी मून्स भी है सर। आप बोले भालू दिखाएंगे, वाटरफॉल दिखा दिए सर। वाटरफॉल में भालू भी है सर। वाटरफॉल में भालू है? यही मौसम को गौर से देखो, यही कॉस्ट्यूम पहन के भालू का हमको खेल दिखाएंगे। भालू खा क्या? हाँ भालू मिल जाएगा तो क्या करोगे? हाँ भाई रुक जाएंगे, बोलेंगे खा ले हम। और नहीं करना। वी आर बैक फ्रॉम द वाटरफॉल। भाई जाने में तो बहुत मजा आया, आने में हालत खराब हो गई भाई। ये लैंड क्रूजर कैसे पास की? देखिए भालू आ गया तो क्या करोगे? गुड बाय।